अस्सलाम वालेकुम। अभी भी काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए का मुनाफा दे जाएंगे, और ये स्टॉक्स तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। फिर बिल्कुल आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग अभी इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें, ताकि फिर कैपिटल गेन आप लोगों को शानदार हो। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। देखिए, मैं आप लोगों से लाइक करने का इसीलिए बोल रहा होता हूँ ताकि फिर ये वीडियो ना आप लोगों को फौरन मिले, मैं जैसे ही अपलोड करूँ और ये फिर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। तो इस वीडियो को लाइक करके जितने भी न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी लेके आ रहा हूँ, ताकि फिर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल हो। देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी भी स्टॉक्स की बाय कॉल दी ना, वो सारे स्टॉक्स कंटिन्यूसली आने के ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं, उन कंपनीज के स्टॉक्स को अपर कैप भी लग रहे हैं। और जो मैं आप लोगों को 10 कंपनीज के स्टॉक्स आज की इस वीडियो में बताऊंगा ना, तो फिर आप लोगों के पास शानदार मौका है कि आप लोग अभी इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें। फिर KSE 100 की बात कर लेता हूं, तो आज के इनके ट्रेडिंग में आप लोगों के सामने शानदार KSE 100 की परफॉर्मेंस भी रही है, यानी कि इंडेक्स भी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। और जिस तरह से आज इंडेक्स ने 72,400 से ऊपर का हाई लगाया और 72 के लेवल पे यानी ट्रेडिंग कर, तो मैंने तो आप लोगों को KSE 100 का टारगेट भी इससे पहले दे दिया था कि इंडेक्स बिल्कुल तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा और 75,000 का ये टारगेट है इंडेक्स का। यानी कि फर्स्ट टारगेट तो मैंने आप लोगों को 2 से 3 हफ्ते पहले ही दे दिया था कि इंडेक्स यहाँ तक जाएगा। तो फिर देखिए, जो स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये आप लोगों को शानदार कैपिटल गेन दे आएंगे, उनमें ऐसी कोई खराबी नहीं है कि आप लोगों को नुकसान हो और आप लोगों को हार हो। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये रिफाइनरी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है अडग रिफाइनरी लिमिटेड ATRL। इसका कोड है, देखिए, भी बहुत ही ज़बरदस्त शानदार कंपनी का स्टॉक है। लेकिन अभी तो ये एक्युमुलेशन के फेज में चल रहा है, यानी कि अभी ये स्टॉक जमा हो रहा है। देखिए, इसके अगर टारगेट की बात कर लेता हूँ, तो मैंने तो आप लोगों को इससे पहले टारगेट भी ये था अडग रिफाइनरी का कि बिल्कुल तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका टारगेट बनता है 500 रुपये का। तो ये बिल्कुल यहाँ तक देखिए जा रहा है, लेकिन अभी ये एक्युमुलेशन के फेस में है। लेकिन आप लोग इसको बिल्कुल बाय करें तो ये अभी 407 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो ये यहाँ से बढ़ेगा और 500 का टारगेट यहाँ तक जाएगा। देखिए, इसकी तो मैंने आप लोगों को 170 रुपये से बाय कॉल दी थी, 7 से 8 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से भी देखा है तो ये स्टॉक इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो फिर कैपिटल गेन का भी अच्छा मौका है। इसके अलावा कंपनी की अर्निंग्स ना कंटिन्यूसली बढ़ी रही है, यानी कि ये भी अर्निंग्स की बेस पर ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और खास तौर पर ट्रेडर्स दोनों ही बाइंग करना पसंद करते हैं। और जिस तरह से ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है ना, तो फिर ये भी कैपिटल गेन आप लोगों को दिखाएगा। अच्छा, इसका नेम है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। देखिए, मैं आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा अभी इसीलिए हूँ कि इन स्टॉक्स में ना आप लोगों को तेजी से बुलिश ट्रेंड दिखने में आएगा, और ये स्टॉक यानी कि स्लो स्लो करके बढ़ रहे हैं, यानी कि इनमें ना ट्रेडिंग चल रही है। तो बिल्कुल भी ट्रेडर्स ही इन कंपनीज के स्टॉक से ना पैसे अच्छे कमा रहे हैं। तो आज के इनकी ट्रेडिंग ना 291 रुपये के रेटों पे नेशनल रिफाइनरी की आई है। देखिए, ये स्टॉक भी तेजी से बढ़ रहा है। इसका भी जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसको इसको ब्रेक करना लाजमी है, वो इसका 360 का रेजिस्टेंस है। लेकिन ये भी देखें, अप डाउन अप डाउन करके बढ़ रहा है और ये ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं, तो फिर कैपिटल गेन भी आप लोगों को अच्छा मिलेगा। लेकिन ये स्टॉक मैं ट्रेडर्स को रेकमेंड करता हूँ, ताकि ट्रेडर्स को पता हो कि इसके सपोर्ट लेवल और बेस्ट बैंक जोन कौन से। लेकिन ये बिल्कुल आप लोगों को लॉन्ग टर्म में ना इसका टारगेट बनता है 480 रुपये से लेकर ना 500 रुपये का, यानी कि ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ तक जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रिप है। और ट्रेडर्स ने इससे पहले भी 2021 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो इस कंपनी के स्टॉक से शानदार पैसे कमा लिए। 2021 में नेशनल रिफाइनरी ने 600 रुपये से ऊपर पर ट्रेडिंग करी है, लेकिन फिर डिप मारा इसीलिए कि इंटरेस्ट रेट हाई पे गया, अर्निंग्स कम हुई सारी कंपनीज की भी, तो इसकी भी कम हुई थी, तो इसीलिए इसने डिप मारी। लेकिन अभी ये आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, जिसका नेम है हब पावर लिमिटेड, हबको इसका कोड है। तो आप लोगों के सवाल तो आज के इन भी कमेंट सेक्शन में काफी सारे आए थे कि बता दें हबको हम क्या करें। देखिए, मैंने तो आप लोगों को हब पावर कंपनी की बाय कॉल इससे पहले भी इसलिए दी थी जब ये 120 से 122 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा, तो आज के इनके ट्रेडिंग में भी ये कंटिन्यूसली यानी कि देखिए ऊपर की तरफ गया, 138 रुपये से ऊपर का हब पावर ने हाई लगा दिया। इसका टारगेट बनता है 145 का, 142 का ना हब पावर का टारगेट बनता है। ये बिल्कुल तेजी से बढ़ रहा है, तो ये यहाँ तक जाएगा, तो फिर कैपिटल गेन भी आप लोगों को शानदार मिलेगा। तो फिर बिल्कुल आप लोग इसको बाय कर लें, ये शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन आप लोगों को दे आएगा। अच्छा, तो फिर आप लोग ना मेरी लास्ट पिछली वीडियोज को भी देख, तो मैंने तो आप लोगों को 70 रुपये से हब पावर की बाय कॉल दी थी और ये स्टॉक फिर तेजी से यानी बढ़ा, 81 रुपये का रेजिस्टेंस भी इसने ब्रेक किया। तो फिर तभी मैं आप लोगों को अभी भी इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, उसका 145 का टारगेट बनता है, ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है एवेंसियन लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी भी ना अर्निंग्स में, मैं आप लोगों को सारी उन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, यानी कि जो कंपनी अर्निंग्स में और जिस कंपनी की सेल्स भी तेजी से बढ़ी है, तभी उसका शेयर प्राइस यानी कंटिन्यूसली बढ़ी रहे। तो आप लोगों के सामने देखें आज के इनके चार्ट भी आ रहे हैं कि एवेंसियन को अपर कैप लगा 58 रुपये 22 पैसे पे। उसके अलावा डिविडेंड और बोनस शेयर्स भी एक्स हो गए, स्टॉक देखिए तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वॉल्यूम के साथ यानी कि बढ़ रहा है। जो मैं आप लोगों से कल बात था ना कर रहा है अपनी वीडियो में कि विद वॉल्यूम्स जब स्टॉक बढ़े, यानी कि वॉल्यूम्स अच्छे बनते हो, तो फिर तब ना आप लोग स्टॉक में चढ़ें और तब आप लोग स्टॉक को बाय करें, लेकिन वॉल्यूम्स का बनना लाजमी है। तो फिर
आज के इनकी ट्रेडिंग में 63 लाख से ज्यादा शेयर्स का एवेंसियन के स्टॉक में काम भी हुआ, यानी कि ये स्टॉक ने देखें डिप मारी, जो कि इसकी डिप थी ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ। तो काफी तेजी से ये स्टॉक नीचे की तरफ ही गिरा था, लेकिन देखें इसका जो सपोर्ट लेवल था ना बना 50 का, तो 50 रुपये से भी ये स्टॉक देखिए 58 रुपये हो गया। मैंने तभी आप लोगों को इसकी इससे पहले ही बाय कॉल दी थी और अभी भी बाय कॉल दे रहा हूँ। इसका टारगेट बनता है 85 का, यानी कि 85 रुपये का टारगेट है ना, तो ये स्टॉक पर 23 से 85 तक जाएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है पायनियर सीमेंट लिमिटेड, PIOC इसका कोड है। देखिए भी बहुत ही जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है, मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे इसी ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसका ना 153 रुपये का रेजिस्टेंस बना, 15 लाख से ज्यादा शेयर्स का पायनियर सीमेंट का स्टॉक में आज की इनकी ट्रेडिंग में काम भी हुआ। तो मैंने तो आप लोगों को इससे पहले भी इसका टारगेट दिया था पायनियर सीमेंट का, जो कि इसका मैंने आप लोगों को 180 रुपये का कहा था, ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा। देखिए इसकी भी अर्निंग शानदार आ गई है, तभी मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। उसमें ना कोई डर है ना कोई ऐसा खौफ है, बल्कि इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए तक कमा लेंगे, क्योंकि ये स्टॉक भी तेजी से बढ़े। देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए PSX की वेबसाइट पर आके समझा भी रहा होता हूँ, ताकि फिर आप लोग ना इस कंपनी के स्टॉक को देख के समझे। तो मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ ना बताना कि स्टॉक बड़ी इसीलिए रहा है कि अर्निंग्स इसकी शानदार है, तो फिर कैपिटल गेन का आप लोगों के पास इस कंपनी के स्टॉक में भी अच्छा मौका है। और बिल्कुल इसका मैंने आप लोगों को बताया ना टारगेट 185 का, तो ये तेजी से बढ़ के यहाँ तक जाएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फर्टिलाइजर के सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है ईफर्ड, भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। इसके टारगेट की बात कर लेता हूँ ना, क्योंकि आप लोगों के सवाल आए हुए थे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप लोगों के इसीलिए ईफर्ड का बता रहा हूँ। इसका बनता है टारगेट वो इसका 185 का बनता है, यानी कि भाई ये 185 तक ना तेजी से जाएगा। फिर बिल्कुल आप लोग इसको देखिए ट्रेडिंग के हवाले से बाय कर लें, ट्रेडिंग के लिए शानदार स्टेप है। मैं तो आप लोगों को 80 रुपये के रेटों पर इसकी बाय कॉल दी थी और 80 रुपये से ये स्टॉक तेजी से आनी ऊपर की तरफ गया। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया ना टारगेट, वो तो काफ़ी लोगों के सवाल थे कि इसका बताएं टारगेटों पर, तभी मैंने आप लोगों को टारगेट इसका बताया, जो कि बनता है 185 का ईफर्ट का टारगेट, तो ये बिल्कुल तेजी से बढ़ के यहाँ तक जाएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है टॉम्स हेल्दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। देखिए मैं आप लोगों के सामने वही सारी कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी लेके आ रहा हूँ, जो स्टॉक्स तेजी से बढ़ लें। आज के इनकी ट्रेडिंग में भी टॉम्स हेल्दी के स्टॉक को ऑपर कैप लगा रहा, 44 लाख से ज्यादा शेयर के टॉम्स हेल्दी के स्टॉक में काम भी हुआ। देखें ये स्टॉक भी तेजी से बढ़ रहा है, तो बिल्कुल आप लोग के पास देखिए मौका अभी भी अच्छा है। इसका टारगेट बनता है ना TOMCL का, वो बनता है 45 रुपये का। मैं तभी देखिए आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि ये स्टॉक ना 40s में ट्रेडिंग कर रहा होता था, यानी कि 40s में ना जबरदस्त ये ट्रेडिंग कर रहा होता था, वॉल्यूम भी बनने होते थे, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट की वजह से इसकी अर्निंग्स कम हुई। लेकिन कंपनी का बिजनेस जबरदस्त है, और इसके अलावा ना ये जो मीट और वाइट ऑफल एक्सपोर्ट कर रही होती है, तो फिर एक्सपोर्ट से भी इसका बहुत जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट होता है। तो फिर तभी ये स्टॉक देखे मैंने आप लोगों को 20 रुपये पे कहा था, आप लोग इसको बाय करें कोई मसला नहीं है। देखिए 20 रुपये से जिसने भी इसको बाय करा उसको तो यानी लाखों नहीं बल्कि लोगों ने करोड़ों रुपए इस कंपनी के स्टॉक से बना लिए। देखिए 20 रुपये वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 35 रुपये, यानी कि 15 रुपये का आप लोगों को तो कैपिटल गेन। देखिए अब तक जितने भी लोगों ने 20-21 रुपये के रेटों पर इसको बाय करके होल्डिंग करी हुई है, तो फिर उन लोगों को तो कैपिटल गेन भी देखिए कितना शानदार हो रहा है। तो फिर तभी देखिए मैंने आप लोगों को इतनी कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी ना, ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में हो। इसके अलावा आज के इनके वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूँ कि कौन से कंपनीज के स्टॉक्स में यानी वॉल्यूम भी शानदार बने, क्योंकि देखिए जो वॉल्यूम लीडर्स होते हैं तो फिर नेक्स्ट डे भी ना इन्हीं वॉल्यूम लीडर्स में ना वॉल्यूम अच्छे बनते होते हैं। तो फिर तभी देखिए मैं आप लोगों से आज के इनकी बात कर लेता हूँ। तो देखिए जो मैंने आप लोगों को बात की थी ना एयरलिंक की, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग एयरलिंक को बाय करें, तो फिर देखें कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। तो इसके अलावा देखिए मैंने आप लोगों को कल बताया था BGL के, आप लोग BGL के स्टॉक को बाय करें, तो फिर देखें आज के इनकी ट्रेडिंग में BGL के स्टॉक को अपर कैप लगा। देखें मैं आप लोगों को फिर इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, जो इसका बनता है ना टारगेट BGL का, वो इसका बनता है 15 रुपये का। तो फिर बिल्कुल ये स्टॉक यहाँ तक जाएगा। तो फिर देखिए मैंने आप लोग कल के दिन में भी इसकी बाय कॉल दी सी थी, ये स्टॉक बढ़ेगा। देखिए ये स्टॉक को खुलते ही यानी ट्रेडिंग होते हुए अपर कैप लग जा रहा है। देखिए वॉल्यूम के साथ यानी कि अपर कैप लग रहा है, 36 लाख से ज्यादा शेयर्स का BGL के स्टॉक में आज के इनके ट्रेडिंग में काम भी हुआ। तो फिर बिल्कुल आप लोग इसको देखिए अभी भी बाय कर लें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है खराबी। लेकिन ये स्टॉक मैं सिर्फ ट्रेडर्स को बोलता हूँ, क्योंकि देखिए ट्रेडर्स को पता होगा कि स्टॉक को कब सेल करके हमें इससे निकल जाना है। तो फिर तभी मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। तो फिर बिल्कुल आप लोग इसको कैनन रेटो पे बाय करके कैपिटल गेन भी शानदार हासिल कर लें। इसके अलावा देखिए एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने आप लोगों को इसकी कब से बाय कॉल दे रहा था कि आप लोग इसको बाय करें। तो देखिए आज की इनकी ट्रेडिंग में देखिए इसको अपर कैप लग गया, तो तभी देखिए मैंने तो आप लोगों को इसीलिए इसकी बाय कॉल दी थी, जबकि 20-25 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था कि वहाँ आप लोग इसको बाय करें। मैंने आप लोगों से कल भी कहा था कि आप लोग इसको बाय करें, इसका टारगेट बनता है 45 का, 45 रुपये का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा। और अब तो देखिए 93 लाख से ज्यादा शेयर्स का गुलामत के स्टॉक में आज के इनकी ट्रेडिंग में काम भी हुआ। तो फिर बिल्कुल ये आप लोगों को स्टॉक ना बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर ये स्टॉक भी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन देखिए जैसे ही इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होगा ना, तो फिर तो ये स्टॉक को अपर कैप लेंगे,
पर ये स्टॉक यानी कि आप लोगों के हाथ नहीं आएगा, जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना 26 रुपए का, तो बस इसका 26 का ये मजबूत रेजिस्टेंस है, इसको ना क्रॉस करना लाजमी है विद वॉल्यूम्स। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लेकिन देखो जो मैंने आप लोगों को 10 कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी ना, ये सारी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स है, लेकिन देखिए मैंने तो फिर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को मैंने बता दिया कि ट्रेडर्स कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, इसके अलावा इन्वेस्टर्स कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, ताकि फिर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को दोनों के यानी प्रॉफिट ना शानदार हो जाए। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।